आलिम ऑनलाइन में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अर्ज कर दिए और फिर किसी भी मौलवी की बात नहीं मानता ना, ना। किसी भी फिरके के, उसकी वजह ये है मानेगा तब जब मानेगा। जदों तक कुरान और हदीस के मुताबिक तुसी गल बयान नहीं करोगे सानू इतना भी फर्क नहीं पड़ना। ये तो कहता मैं तो किसी को भी नहीं मानता कि हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। तो इसका मतलब है तू है नया फिरका। मैंने शुरू में ये बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फिरके 30-40 साल और निकाल दें तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। तू है जो एक नई प्रोडक्ट दे रहा है। मौलवियों को इंजीनियर दी बदवा लग गई। तूने कुरान और हदीस का गलत इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह, पहले से ये कहते थे। और अपनी चर्ब जुबानी इस्तेमाल की। लेकिन इसकी जुबान लंबी है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। एंड रिजल्ट के निकला, दसो ना। तू कहता बाबे शाही कोई नहीं। मेरे नबी सा हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मैं साबित करूंगा ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी। घोड़े को आप मछली साबित करने की कोशिश करेंगे तो आपको लोग पागल ही कहेंगे ना। इल्ला ये कि जो तौबा कर ले। तौबा 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 तौबा। अगर बाबे बुजुर्ग अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकते तो भाई दिखाए ना। इंजीनियर साहब ने रोका हुआ, मैंने हाथ पांव पकड़े हुए इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे। करे तेरे सामने अगर कोई कुरान खोले 19वां पारा खोले। कुरानो दीस दे कि तू तोड़ा के कुरानो दीस ना लेना देना है। और उसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की उम्मत का वली आसब बिन बरकिया। ये सब कुछ फ्रॉड पे चल रहा है, वरना मैं कहता हूं ये तख्त जो है ना मेरा, मैं भी ये जनाब पलक झपकने से पहले यहां लेके आया था। जिसने ये कहा था कि मैं बिल्कुल इसका तख्त लगता हूँ आंख का पलक झपकने से पहले। अब तू तो कहता बाबे शाही को नहीं, तू तो ये जहर पिला रहा है कौम को। जी तख्ते बिल्किस आ गया सरकार, तुसी भी व्हाइट हाउस ले आके मारगला दी पहाड़ियां ते रख दियो। हाँ अगले दिन मैं क्लिप बना देंगा। और ना आया अगर तो तुसी भी अगले दिन क्लिप बनाना है और उस कहना है ना मैं बाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और अगर कोई कुरान खोल के तेरे सामने रखे या तेरे फॉलोवरों के सामने रखे, काश इन लोगों ने कुरान और हदीस टोटलिटी में पढ़ा होता तो इन्हें पता होता भी तो बाबा ही है। अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा। और ये सुलेमानी वली है, अगर सुलेमानी वली में ये ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी बता ना जरा। तो सरकार तख्ते बिल्किस तो आ गया और बकौल आपके किसी बाबे ने लाया, हमारे नजदीक कोई फरिश्ता था या कोई वक्त का पैगंबर था, कोई भी था, तुम भी करके बताओ ना। व्हाइट हाउस को गायब करो और ला के मरगला हिल्स पे इस्लामाबाद रखो, पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा। बल्कि नहीं सॉरी, पूरा अमेरिका बरेलवी हो जाएगा। दाता साहब नु को के लैवण मीनारे पाकिस्तान के थले लाके रखन, व्हाइट हाउस नु काम ही मुक जाए। बैतुल मकदिस उठा के पाकिस्तान ले आए, इसराइल से जान छूट जाएगी, फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं। अब बाबे कितने जो है निगाह मारने वाले, ये बातें करें ना आप तो आगे से जवाब में ना इल्जामी जवाब के तौर। कभी भी जी क्रेन डिगी सी, और भाई अल्लाह ने कब कह के मैंने क्रेन रोकनी है। एक साल सिर्फ यादगार हुआ था अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला, क्योंकि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश थी। उसके बाद जजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मिंजरीक के जरिए हमले किए, काबे की कोई हिफाजत नहीं हुई है। इसके फालवरा तुम भी सुनो, अगर नसीहत है तो लो नसीहत। फिर लाइन पे या तो तुम ये कहोगे बाबे शाही को और कुरान का इनकार करोगे और काफिर हो जाओ, या फिर इसकी इस गंदी फिकर पे लानत भेजो। लानत है तेरे मुंह पे। और इसे बताओ अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मोहम्मदी वली की ताकत क्या होगी। चिड़िया उड़ सकती है तो वली क्यों नहीं उड़ सकता, उड़ो ना। हाँ वलियों के मानने वाले तो चिड़िया से तो बेहतर है ना, तो चिड़िया तो उड़ती है तो ऐ मानने वाले क्यों नहीं उड़ दे। दूसरी बात, अच्छा जी चंद दिन पहले इसने कहा है चुप कर बकवास बंद कर।